नूरपुर पिछले साल विवादों में रहा। नूरपुर टप्पल गांव में अब हनुमान जी के मंदिर का भव्य शुभारंभ भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस बाली की लगन और मेहनत से भव्य शुभारंभ हो गया। मंदिर का शुभारंभ महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के हाथों से फीता काटकर और मंत्रों का उच्चारण करके किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही आरएस बाली और उनके सभी कार्यकर्ताओं का गांव में आगमन हुआ तो सभी ग्रामीणों ने बारी बारी से आरएस बाली, उनकी धर्मपत्नी, संगठन के सभी कार्यकर्ता, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संध्या सिंह और उनके सहयोगियों का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में आए महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती का फूलमाला और आरएस बाली द्वारा तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। महिलाओं द्वारा भक्ति गीत गाए गए, ग्रामीण ढोल नगाड़ों की बदुर ध्वनि पर जमकर नाचे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर आए हों और अयोध्या वासी अपने प्रभु के आने की खुशी में खुश होकर झूम रहे हो। बाली जी ने पुरुषार्थ दिखाया, हम बाली जी के साथ हैं। बाली जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, भाई हैं हमारे। हम हर तरह से बाली जी के साथ हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। बाली जी स्वामी का नाम, बाली जी का नाम रहेगा। नहीं नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ कैसे हो सकते हैं यार, हम तो हिंदुत्व के लिए जिंदा रहने वाले लोग हैं। हम तो जिंदा हिंदुओं के लिए हैं। एफआईआर हो रही है हम पे, एफआईआर हो रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमें मार दो ना, कत्ल कर दो, हम तो कत्ल होने के लिए तैयार घूम रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत शुभ है। नूरपुर गांव में जो इसका नाम इन्होंने हनुमानगढ़ रखा है, इसमें जो ये बनाया इन्होंने मंदिर सारे गांव वालों के साथ मिलकर, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए इनका जितना भी ये धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, जितने इन्हें आशीर्वाद दिए जाए उतने कम है। कहीं कानून नहीं बना रही भाई, बच्चे पैदा कर लो वरना मारे जाओगे। सरकारें कुछ नहीं कर रही, गुरु जी का हाथ हमारे ऊपर है। हम गुरु जी के साथ एक एक एफआईआर नहीं, लाखों एफआईआर हो जाए। जाने के लिए इसका हनुमानगढ़ नाम रखना चाहिए। हनुमानगढ़ आज से हो गया, आज से हो गया। हाँ, गुरु जी ने बोल दिया। अच्छा, और क्या कहेंगे आप नूरपुर टप्पर गांव वालों को, लोगों के लिए आज? अब देख लो, ये सामने देख लो, और उस दिन की हालत देखो जिस दिन मैं 6 महीने पहले आया था। दिल्ली से BCN न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।